नमस्कार दोस्तों। तो आज ये इंफॉर्मेशन है CUET UG के लिए। तो जिन स्टूडेंट ने भी अभी CUET UG के लिए जो फॉर्म फिल करना था उससे यदि वंचित हो गए हैं, तो जो CUET UG का जो फॉर्म है 2023 के लिए वो फिर से रीओपन हुआ है। तो आज उसकी लास्ट डेट है। तो आप देखिए ये क्या है न्यूज़ है। CUET UG 2023 आवेदन का एक मौका और मिलेगा। 9 अप्रैल से अप्लाई करें, 11 अप्रैल है आखिरी तारीख, यानी कि आज 11 अप्रैल आखिरी डेट है अप्लाई करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इससे मिस हो गया है वो अभी इस फॉर्म को फिल कर सकता है CUET UG के कोर्स के लिए। अब देखें क्या है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या 16,85,000 है। तो ये है, अब देखिए न्यूज़ क्या है। CUET UG के संबंध में UGC अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा की है। इस परीक्षा के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोली गई है, यानी कि जो स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया तो उनके लिए फिर से जो विंडो है फॉर्म की वो ओपन की गई है। और जो ये डेट है 9 अप्रैल से 11 अप्रैल, यानी कि आज रात तक ये जो फॉर्म फिल है वो कर सकते हैं आप। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने सूचना जारी करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में NTNA कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी CUET UG के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिशन है विंडो फिर से खोल दी, यानी कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करने से वंचित हो गए हैं तो आज 11 अप्रैल तक फिर से फॉर्म को फिल करने का एक मौका और दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट भी CUET UG के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर दें। तो ये थी हमारे पास आज की जो न्यूज़ CUET UG के लिए। तो जल्दी से जल्दी जो फॉर्म को फिल है वो कर दीजिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया और इंटरेस्टेड है जो फॉर्म फिल करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।